गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर 12 द कम्युनिकेशन ओके यस्टरडे, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओके. द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन स्पीक टू द पर्सन डायरेक्टली. टेलीफोन सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, जिससे अपन पर्सन जो सामने वाला पर्सन उससे डायरेक्टली अपन बात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी दूर बैठा हो. ओके, वी कैन मेक डायरेक्ट कॉल्स ऑन एसटीडी एंड आईएसडी इन सिटीज एंड कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, एसटीडी मतलब जो अपने एक ही कंट्री के अंदर जो कॉल्स होती है वो एसटीडी होती है, और जो अदर कंट्री के अंदर अगर कॉल लगाना होता है तो आईएसडी लगने लग जाती है. ओके, वी कैन सेंड रिटर्न मैसेज क्विकली थ्रू फैक्स ऑल्सो. हमको अगर कोई रिटर्न मैसेज भेजना है, कॉल पर बात नहीं करनी, कोई रिटर्न मैसेज भेजना है तो वो भी आप फैक्स के थ्रू भेज सकते हो. ठीक है, सबसे फास्टेस्ट वे होता है वो. सेलुलर फोन्स हैव द एडवांटेज दैट दे कैन बी कैरिड अलॉन्ग विथ अस वेर एवर वी गो. जो फ़ोन अभी अपन यूज़ कर रहे हैं, जो अपन कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, एक तो होता है लैंडलाइन, ठीक है, जो घर पे लगा रहता है, ठीक है, उसको आप कहीं और लेके नहीं जा सकते. लेकिन सेलुलर फ़ोन वो होते हैं जो आप अपने साथ कहीं पे भी, जहाँ भी आप जा रहे हो, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हो. ठीक है, जैसे अपने फ़ोन्स होते हैं ना जो अपन कैरी करते हैं वो. दीज आर वेरी पॉपुलर दिस डेज. अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये वाले फ़ोन, क्योंकि लैंडलाइन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, घर पे ही होते हैं मतलब वो बस. ठीक है, और वो बहुत कम घरों में होते हैं अब तो. इफ़ वी हैव कंप्यूटर विथ इंटरनेट फैसिलिटी वी कैन सेंड मैसेज थ्रू ईमेल इंस्टेंटली. अगर हमारे घर में कंप्यूटर है और इंटरनेट फैसिलिटी भी है तो हम मैसेज भेज सकते हैं किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर पे मेल डाल के. मास मीडिया न्यूज़पेपर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है, आपको बैठे बैठे यहाँ पे न्यूज़ मिल सकती है किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू. ठीक है, वो एक न्यूज़पेपर मतलब एक जगह खबर सकते हो, कितने लोग पढ़ लेते हैं उसको. ठीक है, तो न्यूज़पेपर क्या करता है, बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है वो. ठीक है, वो भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका ही है कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है आपको सब पता लग जाता है उससे. दे कैरी न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड. अपनी ही कंट्री के अलग अलग पार्ट्स की भी न्यूज़ होती है उसमें, और वर्ल्ड से रिलेटेड भी न्यूज़ भी होती है. ओके, न्यूज़पेपर के अंदर टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन विच रीच अस क्विकली. टेलीविज़न और जो रेडियो होते हैं वो मैसेजेस और न्यूज़ अपन तक पहुंचा सकते हैं जो जल्दी से जल्दी, अगर आपको लाइव कोई चीज़ देखनी हो. क्योंकि अखबार में तो क्या होगा कि जो रात के 12 बजे तक जो भी हुआ है इंसिडेंट वो छपता है नेक्स्ट डे के अखबार में. ठीक है, उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो आपको नेक्स्ट डे पता चलेगा. अगर 12 बजे के बाद अगर कोई घटना हुई, कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, तो आपको नेक्स्ट डे पता चलेगा. नेक्स्ट डे मतलब आज के न्यूज़पेपर में नहीं, कल के न्यूज़पेपर में पता चलेगा. लेकिन रेडियो और न्यूज़ चैनल्स ऐसे होते हैं जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली पहुँचाते हैं, जिस टाइम पर हुआ उसी टाइम पर, विद इन अ हाफ आवर या विद इन वन आवर. ओके, एक घंटे के अंदर अंदर. अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आर एयर्ड बाई वेरियस रेडियो स्टेशन एंड टेलीविज़न नेटवर्क सेंटर्स एवरी डे इन मैनी लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, रेडियो चैनल्स वगैरह होते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेजेस में चलते रहते हैं. ठीक है, जो जिसको जो लैंग्वेज समझ में आए वो उस लैंग्वेज में उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं. ओके, टी वी ब्रिंग टू अस द न्यूज़ एंड इवेंट्स हैपनिंग इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड. टी वी क्या करता है, अपने सामने वो न्यूज़ और इवेंट्स लेके आता है जो पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो अपने सामने लेके आ जाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे. ओके, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो एंड टेलीविज़न आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे आप बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो. फ़ोन के थ्रू तो क्या होता है कि आप एक जने से बात कर रहे हो, लेकिन ये ऐसे मास ऑफ कम्युनिकेशन है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रख रहे हैं. एक बार में आप बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचा सकते हो. जैसे रेडियो है, उस पर कोई शो आ रहा है, बोलने वाला तो एक ही इंसान है, एक ही टाइम पे बोल रहा है, लेकिन उसको कितने लोग सुन रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना वो एक टाइम पे. सैटेलाइट टीवी. सैटेलाइट आर नाउ यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. टीवी प्रोग्राम्स कैन बी रिलेड लाइव. टुडे देर आर मैनी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट. अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बॉयज के लिए बता सकती हूँ. आप जो मैच वगैरह देखते हो, जो कहीं पे भी हो रहा है, वेस्ट इंडीज में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लाइव मैच आप कैसे देख पा रहे हो, थ्रू सैटेलाइट के थ्रू. ठीक है, वहाँ जो मैच हो रहा है वो आपको लाइव यहाँ पे दिख रहा है, वो किसके थ्रू दिख रहा है, सैटेलाइट के थ्रू दिख रहा है. ओके, अब वो चाहे इंडिया में हो रहा हो, चाहे बाहर किसी अदर कंट्री में हो रहा हो. अदर मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. और मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं कम्युनिकेशन के, कंप्यूटर इंटरनेट थ्रू www वर्ल्ड वाइड वेब. अपन कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो अपन ये याद है www. तो उस www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब. पूरे वर्ल्ड की एक ही वेब बना रखी है, वेबसाइट बना रखी है, जिससे आप जिसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो. ओके, ईमेल, वीडियो, कैमराज, फैक्स और पेजर्स एक्सेट्रा. ठीक है, और मॉडर्न मेथड्स कौन से कम्युनिकेशन के, ये हो गए. अपना चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है. टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर.